तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वीडियो अपना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे लाल किला में जो म्यूज़ियम है वो देखने को मिल रहा है आपको। वहाँ पे कई सारे हिस्ट्री है और पुराने ज़माने की जो हथियार भी कुछ देखने को मिल जाएगा आपको वहाँ पे। सबसे पहले तो हम उस वाले म्यूज़ियम में गए जहाँ पे ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ाई हो रहा था, मतलब जो मूवमेंट का उसके बारे में कुछ बताया गया, इसमें लिखा गया और लिखा हुआ है और वीडियो भी चलता रहता है। तो वहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचे और आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन में, वीडियो भी देख रहा होगा आप, और सामने कई साइडों पे वॉल पे दीवारों पे लिखा हुआ और ये मीरदस्त जंग जमदार क्या था ये, सॉरी, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही कई सारे तीन टोटल शायद चार म्यूजियम है, तो हमने चारों में गए हैं और वहाँ पे कई सारे हिस्ट्री के बारे में हमने देखा उस ज़माने में ब्रिटिशों ने और हमारे जो सिपाही बिगड़ हुआ था उसके बारे में भी है, किस लिए सिपाही बिगड़ हुआ था वो भी लिखा हुआ है इसमें कई सारे, और अपने इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, मतलब है उधर म्यूजियम में। वैसे भी आप लोगों को इस नामानी वीडियो भी देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली में घूमने के लिए जाते हैं तो लाल किले में ज़रूर जाएगा, क्योंकि लाल किले में अपने पुराने हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको वहाँ पे। सामान पुराने ज़माने का सामान तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी आपको। जो मैं चाहूँगा कि आप लोग दिल्ली जाओगे तो लाल किले में ज़रूर जाएगा, और लाल किले में जाओगे म्यूजियम में जरूर जाएगा। ये सारी चीज़ म्यूजियम में है, बाहर तो कुछ ऐसे किले वगैरह मतलब महल वगैरह बना हुआ है, बाकी अंदर जब जाओगे आप। और दूसरे म्यूजियम पे जैसे ही एंट्री होता है तो नाना साहिब और बहादुर शाह जफर देखने को मिलता है और उनका ये फ्लैग देखने को मिल जाता है। और आगे वैसे ही हम आगे बढ़ते गए, भारत मुक्त 1857 झांसी की रानी की को भी देखने को मिला वहाँ पे, मतलब उनका चित्र देखने को मिला।